सर रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ बिल्कुल ऑन कर दिया। क्लास 10 फिजिक्स, ठीक है। और अभी आप आज इस क्लास में स्टडी करेंगे जो आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे अपन, सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है। जैसे आप आपसे मैंने कहा है कि हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पूरा पहले पढ़ेंगे अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है वो कवर करते जाएंगे। उसके बाद जो फाउंडेशन लेवल का एक्स्ट्रा है मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से अपन एक्स्ट्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अपन लास्ट नाइन्थ की तरह नहीं करेंगे। नाइन्थ क्लास में हम क्या कर रहे थे कि हम एक साथ पढ़ रहे थे फाउंडेशन और बोर्ड दोनों को। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि आपकी टेंथ क्लास है, बोर्ड का एग्जाम आएगा आपका, इसलिए पहले अपन बोर्ड के अकॉर्डिंग में आपको स्टडी कराऊंगा और उसके बाद जो है फाउंडेशन लेवल का भी उसी चैप्टर में बता देंगे, लास्ट में नहीं लेंगे अपन, ठीक है। तो पहले आप देख लो कि आपकी यूनिट्स कौन कौन सी आ रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले फिजिक्स की जो यूनिट बनेगी आपकी, तो हम बोलेंगे इसको यूनिट वन, और इसी के अकॉर्डिंग में आपको स्टडी भी करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले अपना यूनिट वन आ जाएगा। यूनिट वन में है नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट ये अपना फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक वन। टॉपिक वन इसके अंदर क्या आएगा, टॉपिक वन होगा रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टॉपिक वन यूनिट वन से अपनी नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट, और नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट में जो टॉपिक है अपना टॉपिक वन, टॉपिक वन अपना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट हम स्टडी करेंगे वो होगा लॉ ऑफ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंड जो हम स्टडी करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो मिरर हमारे पास दो है, एक अपना होगा कॉनकेव मिरर और सेकेंड जो हम स्टडी करेंगे वो होगा कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर में भी कौन कौन, प्लेन मिरर भी है, पर प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन ज्यादा आपसे पूछी नहीं जाती है बोर्ड एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स या फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। रे डायग्राम वाला क्वेश्चन प्लेन मिरर से नहीं आता है, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन है या रे डायग्राम का जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो कौन से चैप्टर से बनेगा या कौन से मिरर से बनेगा, कॉनकेव मिरर से और कॉनवेक्स मिरर से, ठीक है। तो आप ये टाइप्स ऑफ मिरर स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर के बाद जो थर्ड टॉपिक आएगा इसमें, थर्ड टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब कौन कौन से मिरर आएंगे इसमें, ध्यान रखना है आपको कौन कौन से मिरर पढ़ोगे आप इसके अंदर। इसमें आप पढ़ोगे कॉनकेव मिरर एंड कॉनवेक्स मिरर, इससे इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, जब आप इससे इमेज फॉर्मेशन करोगे तो उसमें आएगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जैसे आप यहाँ मिरर जैसे ही आप स्टडी करोगे, मिरर को जैसे ही अपन लेंगे तो सबसे पहले तो डिफाइन कर देंगे कि भाई मिरर होता क्या है, कॉनवेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। उसके साथ साथ अपन उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी कर लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होगा रूल्स, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको रूल आते हैं अच्छे से, अच्छे से आपने रूल्स को स्टडी कर लिया, तो रूल्स स्टडी करने के बाद आप काफी इजीली जो है वो इमेज फॉर्म कर पाओगे कॉनवेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, यस कर दिया ना, है ना, यस सर। थर्ड तक आ गया अपन, आपने इमेज फॉर्मेशन कर लिया। ये आप किसमें स्टडी कर रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर चल रहा है अभी तो ये टॉपिक है, देखो आप अभी तो इसी में चल रहा है। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में क्या होगा, एप्लीकेशंस में आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कॉनवेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। और बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में भी इसी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो कौन सा मिरर होता है, ठीक है। जैसे कार है, कार का जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है। तो इस तरह से जब आप इमेज फॉर्मेशन को स्टडी कर लोगे
तो काफी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस मिरर का इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक यहाँ तक है, ये आप किसमें पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, इसके बाद जो इसका टॉपिक टू होगा, टॉपिक टू, ठीक है, टॉपिक टू हमारे पास आएगा, टॉपिक टू जो हेडिंग है टॉपिक टू की वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी पर ले आता। ठीक है, जो टॉपिक टू होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी फर्स्ट जो होगा पॉइंट वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट जो है सर, फर्स्ट जो आप स्टडी करोगे वो स्टडी करोगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद जो सेकंड हम स्टडी करेंगे वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इट विल बी योर सेकंड टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है उसमें सब टॉपिक्स में एक ही आ गया आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जैसे यहां पर आपने स्टडी किया था, यहाँ पर क्या आप स्टडी कर रहे हो, मिरर। देखो यहाँ भी आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। यहाँ आपने क्या स्टडी करा था, मिरर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस में दो तरीके के लेंस है आपके, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ जो टॉपिक आप स्टडी करोगे, यहाँ भी आपने आप क्या करोगे, यहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अच्छा, दोनों में ही ये ध्यान रखना, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके मिरर फॉर्मूला के, मैग्निफिकेशन के, इसके न्यूमेरिकल आएंगे आपके, तो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर भी करने। और यहाँ भी जैसे आपने इमेज फॉर्मेशन करा, इमेज फॉर्मेशन के बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको करने। ये मैं आपको प्योरली बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो अपन फाउंडेशन में स्टडी करेंगे, वो टॉपिक्स इसके अलावा है, तो मैं बाद में आपको टॉपिक्स लूंगा। ठीक है, पहले बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखो आप यहाँ पर ये सारे टॉपिक हो गए। सर एक बार लिख लें, नोट करोगे? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 1 सेकंड में इसको फिनिश कर लूं, बस होने वाला है फिनिश, 1 सेकंड रुको। आप न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स के बाद इसमें भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन, इसकी भी एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशंस आपको स्टडी करनी है भाई, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अपने जब अपन फिजिक्स स्टडी करेंगे तो सबसे पहली यूनिट जो हम फिजिक्स की लेंगे वो क्या लेंगे, नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट। अच्छा, हमने टॉपिक वन जो बात करी, टॉपिक वन था अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक टू जो हुआ वो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अपन लेते हैं टॉपिक थ्री, और टॉपिक थ्री जो है इसका, टॉपिक थ्री है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये टॉपिक इस साल जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके ये टॉपिक जो था डिलीटेड पोर्शन में था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये हट गया था पोर्शन, बट नेक्स्ट ईयर वापस से आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। ठीक है, तो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हम करेंगे इसमें आपके आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, आई मतलब ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, जैसे आई के लिए, ह्यूमन आई के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो होगी ही सही,
बेसिक नॉलेज क्या है कि आई में लेंस होता है, जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज जो फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ जाके फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके का बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही। जो हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन को हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, ये हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बायोलॉजी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे भाई कॉर्निया क्या होता है, आयरिस क्या चीज होती है, प्यूपिल क्या चीज होती है, सिलेरी मसल्स कैसे काम करते हैं, जो लेंस होता है आई लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है, रेटिना क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के जो है पार्ट से आई के पार्ट है वो कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्किंग है उनकी, ये हमको नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे किसका, ये हम किसमें स्टडी करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। ये पहला टॉपिक आएगा किसमें, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने ये चीज देखी होगी कि जो आई होती है, द नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का मतलब होता है किसी एडल्ट पर्सन की आई जो है, जो कि आसानी से पास का और दूर का देख सकती है, ठीक है। जो सबसे पास की जो चीज ऑब्जेक्ट को जो देख सकते हैं नॉर्मल आई, उस पॉइंट को बोलते हैं नियर पॉइंट, और सबसे दूर की जो ऑब्जेक्ट जिसको क्लियरली आई देख सकती है उसको बोलते हैं फार पॉइंट। अगर कोई हेल्दी आई है तो हेल्दी आई के लिए जो फार पॉइंट है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आई जो होती है, आई कैपेबल होती है दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे आई जो होता है वो पास और दूर की चीजों को क्लियरली देख लेती है, एक नॉर्मल आई हेल्दी आई वो कैसे देख लेती है, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। फोकल लेंथ एक टर्म है रिलेटेड टू लेंस जो कि हम स्टडी करेंगे। तो ये जो चीज होती है कि आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि कोई भी पर्सन पास और दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। इसको बोला जाता है अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आई का, जो कि आपको सीखना है क्या होता है ये अकोमोडेशन ऑफ आई। आप भी इस तरह से नोट करते जाना, ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आई। डिटेल में तो हम स्टडी करेंगे ही, थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि आई जो होती है वो आई लेंस जो होता है वो अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट और फार पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। और ये जो है प्रॉपर्टी आई लेंस की, वही क्या कहलाता है, अकोमोडेशन ऑफ आई कहलाता है, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ आई। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे। अगर मान लो जो आई है, आई पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रही या दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रही, तो इसको आप क्या बोलोगे, बताओ आप क्या बोलोगे। अगर आई है, आई ह्यूमन आई जो भी है वो दूर से, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रही, या मान लो कोई बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है पर न्यूज़पेपर को क्लियरली नहीं पढ़ पा रहा, तो आप क्या बोलोगे आई के अंदर क्या होगा, वी कॉल्ड अनहेल्दी आई, अनहेल्दी आई हो जाएगी। या आप क्या कहोगे कि आई के अंदर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, यही बोलोगे ना, आई के अंदर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। अगर वो दूर की चीज को नहीं देख पा रही क्लियरली, या पास की चीज और आई नहीं देख पा रहे हम, तो हम क्या बोलेंगे, द आई इज डिफेक्टिव, अनहेल्दी आई। आई क्या हो गई आपकी, अनहेल्दी हो गई। तो अनहेल्दी हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि आई के अंदर डिफेक्ट हो गया। तो मेनली जो डिफेक्ट है वो दो तरीके के ही हो सकते हैं, मेन डिफेक्ट्स बता रहा हूँ कि या तो वो पास का रीड नहीं कर पा रहा है या दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा है। आपने देखा होगा दूर का और पास का चश्मा लग जाता है। अब आप ये भी समझते होगे कि अगर आई में डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को कैसे हटाते हैं, बताओ कैसे हटाओगे डिफेक्ट को, बोलो, बाय लेंस, बाय लेंस लगा देंगे, चश्मा लग जाता है, लगा हुआ है चश्मा लग जाएगा, स्पेक्टिकल्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आई के डिफेक्ट। तो आई के डिफेक्ट्स हमें इसके बाद पढ़ने हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, डिफेक्ट्स ऑफ आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। डिफेक्ट्स ऑफ आई में पास का नी रीड कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर का डिफेक्ट है तो उसको मायोपिया बोलते हैं। तो आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, मायोपिया पढ़ना है, एस्टिग्मेशन भी एक डिफेक्ट है, और एक आपने सुना होगा मोतियाबिंद, सुना है नहीं, सुना मोतियाबिंद, सुना है, यस सर, सेंट्रल मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है कुछ मालूम है आपको सर, आई के अंदर मतलब लाइक ऑपरेशन करना पड़ता है और कुछ सर्कल सा आ जाता है। वेरी गुड, एक जाल टाइप का हो जाता है आई लेंस के आगे, जाल टाइप का हो जाता है ना, ऑपरेशन करके उसको हटाया जाता है। तो
मोतियाबिंद को इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं कैटरेक्ट, क्या बोलते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। तो पर जो न्यूमेरिकल आपके बन के आएंगे या आपसे जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो हमें क्या स्टडी करना है इसके अंदर, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड एंड देयर करेक्शंस करेक्शंस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको आप अभी मैं आपको जिस तरह का ओवरव्यू दे रहा हूँ आप समझो, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस अच्छे से पढ़ लिया, आपको लेंस की अच्छी नॉलेज है, लेंस के फॉर्मुलेस की अच्छी नॉलेज है, तो फिर आप जब ह्यूमन आई पढ़ोगे और जब आप अकोमोडेशन ऑफ आई और डिफेक्ट्स ऑफ आई के न्यूमेरिकल करोगे, इन चीज़ों को आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप लेंस में वीक हो, अगर लेंस जब आपने पढ़ा था आप उस समय वीक हो तो इसको भी समझने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको, इसलिए टॉपिक सारे रिलेटेड है, आपको साथ साथ चलना है और साथ साथ उसकी स्टडी करते जाना है, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक थ्री लिखा था, टॉपिक थ्री में लिखा था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ह्यूमन आई से रिलेटेड तो ये टॉपिक हो गए अपने। कलरफुल वर्ल्ड क्या है, कलरफुल वर्ल्ड में बहुत छोटे छोटे से जो फिनोमिनाज है वो डिस्कस किए जाते हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज है बताता हूँ मैं आपको। ये सारे टॉपिक जो हैं वो ह्यूमन आई से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक्स किससे रिलेटेड है, ह्यूमन आई से। कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं बताते हैं अपन, जैसे कि एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ठीक है। एक ये हम एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एक ये आपको स्टडी करना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ये एक फिनोमिना है, ठीक है। इसके बाद एक फिनोमिना और आ जाएगा वो है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ये एक टॉपिक पढ़ना होगा हमें। एक आ जाएगा आपके पास फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये सारे आपके आएंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एक टॉपिक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसके कुछ फिनोमिनाज हम अपन स्टडी करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, जानते हो आप डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, कुछ सुना है कहीं पे? यस सर, जब वो सेवन कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, प्रिज्म के थ्रू सेपरेटेड इनटू अ सेवन कलर्स और स्कैटर्ड इनटू अ सेवन कलर्स, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छा लगेगा आप जब स्टडी करोगे। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है, ये सब आप इसमें हम स्टडी करेंगे, है ना। और देखो और भी छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, हिंडल इफेक्ट भी है, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो ये काफी छोटे छोटे टॉपिक है, वन वन मार्क के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बड़े क्वेश्चन जो बनेंगे वो इधर से बनेंगे, अकोमोडेशन ऑफ आई और डिफेक्ट, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस से, ठीक है, और मिरर तो है ही सही। तो ये आपका हमने फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये पहली यूनिट है आपके नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट। बताओ समझ में आया, कुछ आइडिया हुआ कि किस तरह से पढ़ना है आपको, नोट करना है आपको ये? नो सर, नोट करना ही नहीं करना, सर वन मिनट, सर वन मिनट देख लो, है ना, कर लो। कर लिया, डन सर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ करंट में भी जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा टॉपिक वन, टॉपिक वन में हम स्टडी करेंगे, यानी जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो यूनिट टू होगी हमारी, यूनिट टू होगी इफेक्ट ऑफ करंट, और इफेक्ट ऑफ करंट में भी दो चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसको हम टॉपिक वन कह रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे फर्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा आपके पास वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर डेफिनेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है,
चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ये भी वहाँ अपने पास आएगा लॉ। तो ये जो टॉपिक है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी कर लोगे इसमें जो जो इसकी प्रॉपर्टीज है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी है वो न्यूमेरिकल भी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी करने के बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करोगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम किसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है हम वो देखेंगे। इसके बाद कोई क्लोज सर्किट जो है, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर किससे करोगे, वो डिवाइस कौन सी होती है आप बता सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, बताओ, कुछ आइडिया है आपको? अमीटर, वोल्टमीटर सुना है आपने? अमीटर, वोल्टमीटर, यस सर, सुना है? है ना? यस सर, वो डिवाइस आएगी वहां, सुना तो है सर। हाँ, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या स्टडी करने वाले, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो अमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगेगा कि पैरेलल में लगेगा, ये टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बता दो क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर होती है, वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, क्या होती है? वोल्ट, है ना। इसको करंट को किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। और पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा आपके पास, वो होगा ओम्स रूल। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, आप पढ़ते रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ये खैर मैं नाइन्थ में भी बोलता था आपसे, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? ओम्स रूल। ओम्स रूल हमें स्टडी करना है कि भाई ओम्स रूल क्या होता है। ठीक है, ओम्स रूल के बाद ओम्स रूल हो जाएगा। ओम्स रूल के बाद हमें स्टडी करना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में दो टॉपिक आ जाएंगे अपने पास, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम देखेंगे भाई कोई दो रेजिस्टेंस है, उनको अपन ने सीरीज में लगा दिया या पैरेलल में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या स्टडी करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो इन दोनों के ही न्यूमेरिकल अपन को करने हैं, अच्छे बड़े बड़े अच्छे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यस सर, है ना। तो आप जब स्टडी करोगे और आपको सही लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टडी करेंगे, ओम्स लॉ स्टडी करेंगे, ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं बट मैं यहाँ पर ओनली आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड वायरिंग है, हाउस होल्ड वायरिंग भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सारा अपन इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी कर लेंगे। इसके बाद इस यूनिट में जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो सेकेंड चैप्टर हमें स्टडी करना है, टॉपिक टू, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कभी आपने देखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी कहीं yes, देखा? देखा है। कोई एग्जांपल बता दो।
इसमें टाइम नहीं चल रहा क्या कहीं पे? चलो कोई बात नहीं, बोलो कोई एग्जांपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। अच्छा ये पॉसिबल है कि किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो किया जाए? हाँ बोलो सर, जब वायर में करंट फ्लो होता है ना तो कंपास का वो घूमने लग जाता है, मतलब सही डायरेक्शन नहीं बताता है। ओके वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बढ़िया बताया और इससे पता चलता है कि आप थोड़ा तो आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया है। तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट को फ्लो करते हो ठीक है, और तो उसके नियर बाय अगर आप कंपास को लेके जाओगे। अब कंपास क्या होता है? कंपास एक डिवाइस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेती है। क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये तो अपन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ही सही, पर अभी आप ध्यान रखो कंपास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेता है ठीक है। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसके पास अगर आप कंपास को लेके जाओगे तो कंपास में क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो होगा। तो अगर कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगा तो इसका मतलब कंपास ये बता रहा है कि भाई वहां पर कहीं ना कहीं क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट फ्लो करा रहे हो आप तो उसके नियर बाय क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी पर बेस्ड ये चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है? मैग्नेट, फर्स्ट टॉपिक यही आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है। ठीक है, जिसमें आप एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड में करंट कैरिंग वायर कर दो, फिर कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो। तो आयरन फिलिंग्स क्या होती है? एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, जो ये शो करती है कि भाई उस वायर के सराउंडिंग में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताएंगे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर और भी काफी सारे लॉज है। ठीक है, मेनली इस चैप्टर के अंदर क्या है? लॉज है, जिसे राइट हैंड थंब रूल, ये हम अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है? जैसे कोई वायर है उसमें करंट जा रहा है तो राइट हैंड से उस वायर को ऐसे पकड़ लो, तो थंब जो होता है वो तो करंट की डायरेक्शन बताता है, और जो ये फिंगर्स है ये क्या करती है? ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो ये हम स्टडी करेंगे, इसमें राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, और भी है इसमें रूल्स काफी सारे हैं। इसमें आपको मिलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हम स्टडी करेंगे इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये भी इसी चैप्टर में आ जाएगा आपके फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर इस चैप्टर में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के अलावा और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा इसमें ईएमआई। ठीक है, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इसको हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह से टॉपिक, एक बार फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर दीजिए। फिफ्थ इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, और भी टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, या जैसे मोटर तो क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, वैसे जनरेटर है नहीं आपके सिलेबस में, जनरेटर के क्वेश्चंस आते नहीं है, मोटर जरूर आती है, तो अभी तो मोटर तक लिखो, जनरेटर में से पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टोटल मिला के कितने चैप्टर हो गए बताओ? कितने चैप्टर हो गए? फोर चैप्टर हो गए। कंटेंट आप देख रहे हो कितना कंटेंट है। ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, फाउंडेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, और ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, हो सकता है कि इसमें और भी टॉपिक्स ऐड हो, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो ये सारे हैं आपके पास। ठीक है, तो ये है, और एक क्लास अब मैं सैटरडे को लूंगा आपकी। ठीक है ना? यस सर, तो सिर्फ चार ही